नमस्कार। काफी लंबे इंतजार के बाद दार्जिलिंग लोकसभा सीट के लिए अपने कैंडिडेट की घोषणा होने को तैयार है। आगामी भाजपा दार्जिलिंग लोकसभा में हर्षवर्धन श्रृंगला को प्रत्याशी बनाना लगभग तय है। हाल जो खबरें आ रही है, हर्षवर्धन श्रृंगला आज भाजपा की सदस्यता लेंगे और वे आगामी दार्जिलिंग लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी होंगे। पिछले कई दिनों से अनुमान लगाया जा रहा था कि हर्षवर्धन श्रृंगला या राजू बिष्ट के बीच किसको उम्मीदवारी दी जाएगी, आज जाकर घोषणा होना लगभग तय है। आपको बता दें कि G20 के समय से ही दार्जिलिंग के प्रेस और मीडिया में हर्षवर्धन की रिलीज भेजी जाने लगी और फिर अचानक से दार्जिलिंग पहाड़ में उन्हें इतने एक्टिव देखा गया। उसी समय से दार्जिलिंग में भूमिपुत्र की बात भी उठी और उनका कहना कि वे भूमिपुत्र हैं। उनकी पिछली गतिविधियों पर नजर डाले तो आज लगता है कहीं ना कहीं उनको बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से कुछ हिंट दिया गया होगा कि आप प्रत्याशी बन सकते हैं, अपने क्षेत्र में जाकर काम कीजिए। और क्योंकि इस बार पहाड़ में भूमिपुत्र की मांग हो रही थी और श्रृंगला ने खुद को भूमिपुत्र के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। अब जरा इस बात पर नजर डालें और अनुमान लगाने की कोशिश करें कि इस बार दार्जिलिंग लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में हर्षवर्धन श्रृंगला को ही क्यों चुना जाना लगभग तय है। हो सकता है जिस तरह उत्तर बंगाल अलग राज्य या यूनियन टेरिटरी की बातें उठ रही है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा, मुमकिन है कि भाजपा इस ओर सोच रही है। और चूंकि हर्षवर्धन श्रृंगला को ब्यूरोक्रेसी का लंबा अनुभव, विदेश सचिव तक रह चुके हैं, साथ ही G20 जैसे आयोजन में उनकी प्रमुख भूमिका, तो उनको यहां की भाजपा की टिकट देने में हो सकता है भविष्य में उत्तर बंगाल को केंद्र शासित राज्य बनाने की हो। और इसके पीछे कारण भी है, उत्तर बंगाल खासकर सिलीगुड़ी को चिकन नेक भी कहा जाता है और यह क्षेत्र आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से भी काफी सेंसिटिव और महत्वपूर्ण है, क्योंकि चार अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के समीप और भारत के नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला शहर। अगर उत्तर बंगाल केंद्र शासित राज्य बन जाता है तो संभावित युद्ध या संघर्ष की स्थिति में भारत सरकार को अपने रणनीति के तहत काम करने में आसानी होगी। और अगर उत्तर बंगाल पश्चिम बंगाल के हिस्से में रहता है तो विशेष रूप से सीमा नियंत्रण और सुरक्षा के संदर्भ में भारत सरकार के लिए संभावित चुनौतियां पैदा हो सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि पहाड़ में इस बार भाजपा के लिए चुनौतियां पिछले सभी चुनावों के मुकाबले में अधिक है। लोग नाराज हैं भाजपा से, पिछले 15 सालों से केवल भाजपा आश्वासन ही दे रही है। इस बार हर्षवर्धन श्रृंगला दार्जिलिंग पहाड़ के लोगों की नाराजगी कैसे दूर करेंगे और उनके ही पार्टी के नेता बीपी बजगई अगर चुनाव में उनके खिलाफ खड़े होते हैं तो श्रृंगला की रणनीति क्या होगी, यह आगे देखने वाली बात है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पीथिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लोन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसे जरूरी स्थानों तक आसान पहुँच। कॉल करें 9775542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है।
Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities.